हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एस के हर्ड सीरीज पर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन इन विंडोज 10 ऑफ JDK 8। सो इस वीडियो में हम देखेंगे वन सिंपल प्रोग्राम एंड सम बेसिक कमांड फॉर विच विल रिक्वायर फॉर व्हेन वी रन जावा प्रोग्राम। जब हम जावा प्रोग्राम रन करते हैं तब हमको थोड़े कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड की ज़रूरत पड़ती है। वो कमांड हम इस वीडियो में कैसे फायर करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पर। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं हमारा जो कर्सर है वो सी ड्राइव में यूजर फोल्डर में जो एच नाम का फोल्डर है उसके अंदर है। सो हमको मान लो इसके बाहर आना है, यूजर फोल्डर में आना है, तो हमको वन कमांड यूज करना पड़ेगा। वो है cd स्पेस डबल डॉट देन प्रेस एंटर। और मान लो अभी अंदर जाना है उसकी, तो हम cd सिंपली cd देन एच फोल्डर नेम। हेयर यू कैन सी यूजर्स के अंदर एच फोल्डर है, हम यूजर्स फोल्डर में हैं और उसके अंदर एच नाम का एक फोल्डर है, हमको उसके अंदर जाना है जो कि एच नाम है। तो हमको सिर्फ cd स्पेस एच दैट इज फोल्डर नेम एंटर करना है और देन हमको प्रेस एंटर करना है। आफ्टर दैट वी विल सी वन कमांड दैट इज वेन हमको जो जब हमको डायरेक्ट फोल्डर ऑल फोल्डर के बाहर आना होता है तब हम इस कमांड का यूज करते हैं cd देन स्लैश। आफ्टर दैट वी हैव टू प्रेस एंटर। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तब हम डायरेक्टली सी ड्राइव में आ जाएंगे, मतलब हम सब फोल्डर के बाहर आ जाएंगे। मान लो हमको डी ड्राइव में जाना है तो हमको डी एंटर करना है, बाद में कोलन लगाना है, देन प्रेस एंटर, हम डी ड्राइव में जाएंगे। ये हो गई हमारे बेसिक कमांड्स। हम और एक कमांड देखेंगे दैट इज जावा सी। हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पीसी और लैपटॉप में जावा JDK इंस्टॉल है और उसका पाथ सही से दिया है या नहीं। जावा से हम एंटर करने के बाद हम एंटर करेंगे, उसके बाद ये सारी कमांड्स आएंगी। तो हमारा जावा सी कंपाइलर इंस्टॉल है और उसके बाद हम देखेंगे कि जावा कमांड रन हो गई कि या नहीं, वो भी रन हो गई। तो हमारा जावा JDK सक्सेसफुली इंस्टॉल है और हमारा पाथ भी सेट है। तो हमको ये सब क्लियर करना है तो हम यूज़ करेंगे clls फॉर क्लियर ऑल स्क्रीन। उसके बाद हमको देखना है कि जावा का सिंपल हेलो प्रोग्राम। सो हम जाएंगे नोटपैड पे। नोटपैड में हम एक क्लास क्रिएट करेंगे हेलो हेलो नाम का। जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं और जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं तो उस प्रोग्राम लैंग्वेज में वन मेन मेथड होती है, उसी तरह हम यहाँ एक मेन मेथड यूज़ करेंगे। और इस मेन मेथड में हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंटलन। और इस पैरेंथेसिस में हम मैसेज लिखेंगे दैट इज हेलो वर्ल्ड। हमने यहाँ एक मेन मेथड डिक्लेयर किए है दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो
सो आपके मन में एक क्वेश्चन पड़ रहा होगा, दैट इज पब्लिक, व्हाट इज व्हाई वी नीड टू टेक पब्लिक, व्हाई वी नीड टू टेक स्टैटिक, व्हाई वी नीड टू टेक वॉइड। सो हम पब्लिक क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारी जो मेन मेथड है वो हर जगह प्रोग्राम में हर जगह एक्सेस हो सके। हम स्टैटिक क्यों लिखते हैं, स्टैटिक मेथड जो होती है वो मेथड हम बिना मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे किधर भी यूज कर सकते हैं। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट मेथड वी कैन यूज दिस दैट मेथड इन आवर प्रोग्राम एनीवेयर। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक स्टैटिक कीवर्ड। वॉइड, व्हाट इज वॉइड, वॉइड इज ए रिटर्न टाइप ऑफ मेन मेथड। व्हाट इज स्ट्रिंग ए आर जी, स्ट्रिंग ए आर जी एक स्ट्रिंग है जो कि हमारे मेथड में प्रोग्राम में जो आर्गुमेंट आते हैं वो पास करते हैं, स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करते हैं, एक एरे है। हम देखेंगे क्लास इज ए कीवर्ड और हेलो इज अ नेम, दैट इज यूजर डिफाइंड नेम। हम यहाँ देख सकते हैं कि हेलो का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। वाई वी टेक द क्लास नेम फर्स्ट लेटर एज कैपिटल, बिकॉज वी हैव शुड हमको एक आदत चाहिए कि हम जब भी किसी क्लास का नेम लिखें इन जावा में वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। इधर आप देख सकते हैं सिस्टम, सिस्टम इज ए क्लास, सो यस इज कैपिटल। सिस्टम इज ए क्लास विच इज ऑलरेडी डिफाइंड इन जावा पैकेज। सिस्टम में यस कैपिटल है, सिस्टम क्लास का आउट आउट ए ऑब्जेक्ट है, और प्रिंट एलियन दिस इज ए मेथड। अब हम देखते हैं और इसके आगे भी हम डिटेल में जानकारी लेंगे आगे की वीडियो में। ये प्रोग्राम हम रन कहीं से करते हैं, देखते हैं। प्रोग्राम पहले सेव करना पड़ेगा, हम एक प्रोग्राम सेव करेंगे। फर्स्ट हमें ध्यान रखना है कि हम एक प्रोग्राम कौन से ड्राइव में कौन से फोल्डर में सेव कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं डी ड्राइव में हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, दैट इज जावा हेलो। इन दैट प्रोग्राम वी सेव दिस प्रोग्राम। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो क्लास नेम है वही प्रोग्राम का नेम रखे जब हम प्रोग्राम सेव करते हैं, तो हमारा जो प्रोग्राम का नाम होगा हेलो डॉट जावा, देन हम सेव करेंगे। उसके बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, हम नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। देखो यहाँ हम सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर में एच फोल्डर में के अंदर हैं, तो हमको इसके बाहर आना है। तो हम टाइप करेंगे सीडी डॉट डॉट इंटर, और सिंपली हम सीडी स्लैश इंटर करके डायरेक्ट ड्राइव में आ जाएंगे, सब फोल्डर के बाहर। तो हमको डी ड्राइव में जाना है, तो हम डी कोलन टाइप करके इंटर करेंगे। उसके बाद हमको जो हमारा फोल्डर है हेलो जावा, ये जावा हियर जावा हेलो, उसके उसके अंदर हमको जाना है। दैट्स व्हाई वी हैव टू इंटर सीडी देन फोल्डर नेम जावा। आप फोल्डर के सामने के दो तीन लेटर टाइप करके टैब प्रेस करें तो आपके जो
डी ड्राइव में जो फोल्डर है उसके नाम आ जाएंगे। हियर जे ए वी ने से स्टार्ट होने वाले टू फोल्डर है, वन इज जावा एंड सेकेंड इज जावा हेलो। सो हम इस फोल्डर में जाएंगे। इस फोल्डर में जाने के बाद हम जावा सी दैट इज कमांड फॉर जावा कंपाइलेशन, हमारा जो प्रोग्राम होता है फर्स्ट वी हैव टू कंपाइल इट, जो कि हमको पहले कंपाइल करना पड़ता है उसके लिए हम जावा सी यूज़ करते हैं। जावा सी टाइप करने के बाद हमको प्रोग्राम का नेम डॉट जावा एक्सटेंशन लगाना पड़ता है। हियर व्हाट आई डू, आई प्रेस सिंपली एच देन आई प्रेस टैब। मैंने जब एच टाइप करके टैब प्रेस किया तो उस फोल्डर में जो एच से स्टार्ट होने वाले जो भी फाइल्स फोल्डर है वो यहाँ आ जाएंगे। इस फोल्डर में एक ही फाइल है दैट इज जावा प्रोग्राम फाइल। सो आई विल शो यू हियर हेलो डॉट जावा। हम एंटर भी कर सकते हैं, टाइप करके भी प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू प्रेस एंटर। हियर आवर प्रोग्राम इज कंपाइल सक्सेसफुली। If your program have any error, then here हमको error display करता है। So हम यहाँ program को run करेंगे Java hello। जब हम program को compile करते हैं तब हमको program का name dot java extension लगाना पड़ता है, और जब हम java command करके program को run करते हैं तो हमको जावा कमांड और सिंपली प्रोग्राम का नेम और उसके आगे कोई एक्सटेंशन नहीं लगाना पड़ता। उसके बाद हमको एंटर प्रेस करना है। या आप देख सकते हैं हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है। मान लो आपके प्रोग्राम में कोई एरर है, मान लो हम ये सेमी कॉलन हटा देते हैं और प्रोग्राम को सेव करते हैं। उसके बाद हम प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करते हैं जावा सी देन प्रोग्राम नेम। हियर वन एरर हेलो जावा एरर इज सेमीकोलन एक्सेप्टेड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन। हियर दिस डिनोट हियर सेमीकोलन एक्सेप्टेड, यहाँ सेमीकोलन जरूरी है ये बताता है। हमारा जो प्रोग्राम है हम देखते हैं, हम सेमीकोलन देंगे उसके बाद सेव करेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम कंपाइल करके देखते हैं जावा सी हेलो डॉट जावा। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम जावा कमांड यूज करके जावा हेलो हम प्रोग्राम रन करते हैं। हमारा हेलो वर्ड का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। सो इस हम ये सिंपल वीडियो बनाए हैं जावा का सिंपल प्रोग्राम के लिए। इसके आगे के वीडियो में हम जावा के मल्टी क्लासेस, यहाँ हम हमने एक ही क्लास यूज किया है, इसके आगे के प्रोग्राम में आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीपल क्लास यूज करके जावा के प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करें कैसे रन करें। तो हम यहाँ रुकते हैं आज की इस वीडियो के लिए, यहाँ तक हम ये वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।